जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए सैनिकों के खून के बदले की मांग को लेकर प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकियों और आतंक को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नेस्ता नाबूद करने की विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं। सीआरपीएफ के दर्जनों जवानों की पुलवामा में शहादत के बाद रामपुर में भी प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका था। कैंडल मार्च और शोक सभाओं का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शहीद सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर छात्रों ने कॉलेज गेट से तिरंगा यात्रा आरंभ कर रामपुर बाजार होते हुए पुराने बस अड्डे पे पहुंचे। भाषणबाजी के दौरान छात्र नेताओं ने केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग की और उनके मंसूबों को नाकाम करने की गुहार भी लगाई। इस दौरान छात्र नेताओं ने अपने विचार भी रखे। दूसरी ओर ऑटो यूनियन ने भी पुलवामा आतंकी हमले को लेकर ऑटो रैली निकाली। ऑटो यूनियन ने रामपुर से नोगली और वहां से वापस रामपुर तक रैली निकाली। ऑटो चालकों ने बताया कि इस कायराना हरकत के लिए दुश्मनों को सबक सिखाना होगा ताकि भविष्य में वे इस तरह के कदम ना उठाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उपासना ठाकुर ने बताया कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी घटना घटी है उसमें सीआरपीएफ के दर्जनों जवान मारे गए हैं। उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई और सरकार से मांग की गई कि इस तरह के आतंक के जन्मदाताओं को जड़ से ही उखाड़ फेंका जाए। उपासना ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामपुर इकाई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर इकाई द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो 14 फरवरी 2019 को हमारे भारत देश में एक दर्दनाक घटना हुई, जो पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला किया गया, जिसमें हमारे 44 जवान भाई शहीद हो गए। उनके सम्मान में हमने आज ये तिरंगा यात्रा निकाली है। एच टुडे के लिए रामपुर से विश्वेश्वर नेगी की रिपोर्ट।